स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और कुछ एक्सपर्ट से उसका जवाब तलाशने की कोशिश, बीबीसी पड़ताल दुनिया की। ये 100 साल पहले की बात है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्लू की शक्ल में एक महामारी तेजी से फैली। एक अनुमान के मुताबिक इस महामारी में तब कम से कम 5 करोड़ लोग मारे गए। बाद में दुनिया ने इसे स्पेनिश फ्लू के नाम से जाना। स्पेनिश फ्लू के बाद इन 100 सालों में दुनिया ने कई महामारियां देखी। इनमें कम से कम 3 फ्लू बड़े पैमाने पर जानलेवा साबित हुए, लेकिन स्पेनिश फ्लू की बराबरी कोई नहीं कर पाया। पिछले साल अक्टूबर में चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस का संक्रमण जिस तरह दुनिया के तमाम देशों में फैला, उससे ये सवाल उठने लगे कि क्या कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में एक बार फिर लाखों लोग काल के गाल में समा सकते हैं। तो इस हफ्ते हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया में एक बार फिर लाखों लोगों की जान जा सकती है। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमें कुछ एक्सपर्ट से बात करनी होगी। पार्ट 1, जंगल की आग। A virus is a piece of genetic code which just moves around from one cell to the next and one person or one host. वायरस एक तरह से जेनेटिक कोड का नमूना है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आगे बढ़ता रहता है। एक वायरोलॉजिस्ट के तौर पर मुझे ये बात गजब की लगती है। वायरस देखने में भले ही सिंपल लगे, लेकिन वो सिंपल नहीं बल्कि जटिल होते हैं। वायरस परजीवी होते हैं जो शरीर के भीतर होते हैं। शरीर वायरस से कहीं अधिक जटिल है। किसी भी तरह के इन्फेक्शन का नतीजा क्या होगा ये कोशिका पर निर्भर करता है, और कोशिका शरीर के भीतर होती है। ये है इंपीरियल कॉलेज लंदन में वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर वेंडी बार्कले, हमारी पहली विशेषज्ञ। धरती पर जब से जीवन है वायरस का अस्तित्व भी तभी से है। इंसान और वायरस साथ साथ रहते आए हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों में ये संबंध गड़बड़ाया है। So the viruses that caused the pandemics of the 21st century seem to have their origin in animals that live. 21वीं सदी में वायरस की वजह से महामारियां फैली। ऐसा लगता है कि ये वायरस उन जीव जंतुओं से निकले हैं जो बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इनमें भी खास तौर पर चमगादड़ और अन्य पक्षी। इनकी संख्या कितनी होगी आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। इन्फ्लुएंजा जैसे वायरस इनके बीच घूमते रहे और मौका पाकर इंसानों में पहुंच गए। इनमें बहुत से जीव जंतु ऐसे हैं जिनके हम करीबी संपर्क में आते हैं, जिन्हें हम घरों में पालते हैं या जो हमारे भोजन का हिस्सा हैं। हम मनुष्यों का शरीर इस तरह बना है कि वो चिकन पॉक्स और मौसमी बुखार जैसे मामूली फ्लू से आमतौर पर खुद ही निपट लेता है। But these viruses in the animals are subtly different than those and they look different to our immune system. लेकिन पशु पक्षियों में पाए जाने वाले वायरस अलग तरह के हैं। हम इंसानों के इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरोधक तंत्र में ऐसा कुछ नहीं है जो पशु पक्षियों में मौजूद इन नए तरह के वायरसों से लड़ सके। कोई इंसान जब इस वायरस के संपर्क में आ जाता है तो ये वायरस उस इंसान के शरीर में अपनी संख्या बढ़ाकर और लोगों को अपना निशाना बनाता है। ये जंगल में लगी आग की तरह है जो बहुत तेजी से फैलती है। कोरोना वायरस के मामले में सबसे खतरनाक बात यह है कि ये वायरस खांसने और छींकने के क्रम में सांस के जरिए मुंह और नाक के रास्ते अपने अगले शिकार को आसानी से पकड़ लेता है। 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू के मामले में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन इन 100 सालों में हमारे वैज्ञानिकों ने भी बहुत तरक्की की है जो कोरोना से निपटने में दुनिया की मदद करेगी। पार्ट 2, वायरस की ताकत। मेरा नाम रोजला डेगो है। मैं लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन में संक्रामक रोगों की जानकार हूँ। यहाँ हम ये समझने और समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई बीमारी लोगों के जरिए किस तरह फैलती है। रोजला डेगो बताती हैं कि अलग अलग वायरस से संक्रमण फैलने की दर अलग अलग होती है। आसान शब्दों में कहें तो हर वायरस एक जैसा नहीं होता और सारे वायरस एक जैसी तेजी से नहीं फैलते।
The reproduction number. At the beginning of an epidemic, we call it the basic reproduction number, and this is the. किसी महामारी की शुरुआत में वायरस जिस हिसाब से फैलता है, हम उसे उस वायरस का प्राइमरी रिप्रोडक्शन नंबर कहते हैं। इसके बाद वायरस पहले सोर्स से दूसरे, तीसरे, चौथे व्यक्ति में आगे बढ़ता है। इन्हें हम सेकेंडरी नंबर कहते हैं। मौसमी बुखार, इबोला और मीजल समेत तमाम वायरस अलग अलग दर से फैलते हैं। मीजल्स के मामले में एक व्यक्ति संक्रमित होने पर लगभग 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है, लेकिन अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता और संक्रमित लोगों को अलग थलग रखकर हर वायरस के प्रोडक्शन रेट को कम किया जा सकता है। If the reproduction number is above one, that means that each infected person will infect at least one other person. And that means the epidemic will grow. अगर किसी वायरस का रिप्रोडक्शन रेट एक से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि प्रत्येक संक्रमित व्यक्ति कम से कम एक व्यक्ति को तो संक्रमित जरूर करेगा। महामारी इसी तरह फैलती है। वायरस के रिप्रोडक्शन रेट को किसी तरह एक से कम कर लिया तो महामारी को फैलने से रोका जा सकता है, लेकिन यदि वायरस का रिप्रोडक्शन रेट 5-6 तक पहुँच गया तो समझ जाइए कि हालात बेकाबू हो रहे हैं। वुहान में जब कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत हुई थी तब वायरस का रिप्रोडक्शन रेट 1-3 के बीच था, लेकिन ये जानकारी किसी वायरस को फैलने से रोकने के लिए किस तरह मददगार साबित होती है? If we talk to policymakers and we say we think the reproduction number at the moment is 1.8, that gives them an understanding of the strength of interventions that are going to be. जब हम पॉलिसी मेकर्स के साथ किसी वायरस को रोकने के लिए काम करते हैं तो हम उन्हें बताते हैं कि वायरस का प्रोडक्शन रेट क्या है। मसलन हमने उन्हें बताया कि वायरस का प्रोडक्शन रेट 1.8 है, इससे उन्हें समझ में आता है कि वायरस कितना शक्तिशाली है और उसे कमजोर करने के लिए क्या क्या करने की जरूरत है। वायरस का प्रोडक्शन रेट ही तय करता है कि वायरस को खत्म करने के लिए कितनी वैक्सीन की जरूरत होगी। वायरस का प्रोडक्शन रेट ही सोशल डिस्टेंसिंग जैसी जरूरतों को तय करता है। इन तमाम उपायों से हमें वायरस का प्रोडक्शन रेट कम करने में मदद मिलती है। और अगर हम 100 साल पहले फैले स्पेनिश फ्लू से अब तुलना करें तो किसी वायरस से निपटने के लिए पहले से कितने मजबूत और कितने तैयार हुए हैं हम? There's a lot of preparedness plans both at national level and through the World Health Organization. Globally we are much more prepared than we've ever been before for. पहले के मुकाबले हमारे पास ज्यादा बेहतर प्लानिंग है। अलग अलग देशों की अपनी अलग अलग प्लानिंग है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अपनी प्लानिंग है। किसी नई बीमारी और महामारी के बारे में हमारी तैयारी पहले से कहीं बेहतर है। इसमें कोई दो राय नहीं कि एनिमल वायरस ह्यूमन लाइफ के लिए एक बड़ा खतरा है, लेकिन डिजीज मॉडलिंग जैसी तकनीकों ने वायरस को बेहतर तरीके से समझने में मदद की है। इससे पॉलिसी मेकर्स वायरस के खिलाफ डिफेंस लाइन बनाने में पूरी तरह से कामयाब हो सकते हैं। पार्ट 3, हमारी कमजोर कड़ी। If a deadly virus will hit Africa today, it will have severe consequences. आज अगर कोई जानलेवा वायरस अफ्रीका पर अटैक करता है तो हालात बहुत बहुत गंभीर हो सकते हैं। ये हैं डॉक्टर जॉन किंगासोंग, अफ्रीका सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के डायरेक्टर। ये हैं हमारे तीसरे विशेषज्ञ। A population of the entire continent is 1.2 billion today. We are projected to be 2.5. पूरे अफ्रीका महाद्वीप की आबादी इस समय 1 अरब से ज्यादा है। अगले 30 साल में हमारी आबादी बढ़कर 2.5 अरब होने का अनुमान है। यदि हमने पुख्ता तैयारी नहीं की तो अफ्रीका के किसी एक देश में संक्रमण फैलने पर पूरा अफ्रीका इसकी चपेट में आ जाएगा। और हुआ भी यही, अफ्रीका में कम से कम 10 देश कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। जानकार मानते हैं कि देशों की सीमाएं कमजोर कड़ी साबित हुई हैं। They are fragile countries. They are countries that are emerging from conflicts, and they are countries that have strong systems. ये अस्थिर देश हैं। यहाँ संघर्ष होते रहते हैं। ये देश अब उन संघर्षों से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अफ्रीका में किसी महामारी का सोर्स पता करना, संक्रमित हुए लोगों की पहचान करना, उन्हें अलग थलग करना कितना मुश्किल हो सकता है। खस्ता हाल पब्लिक हेल्थ सिस्टम की वजह से दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। किसी महामारी से निपटने के लिए सिर्फ हेल्थ वर्कर्स की ही जरूरत नहीं होती, पब्लिक ट्रस्ट यानी लोगों का आप पर भरोसा होना भी उतना ही जरूरी है। The whole issue of building trust with a community, or what I call more broadly community engagement,
असल मुद्दा है किसी कम्युनिटी में भरोसा पैदा करना, और मुझे लगता है कि हमने इस दिशा में बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं है। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपके पास वैक्सीन है, तब ऐसा भी हो सकता है कि लोग टीका लगवाने से ही मना कर दें क्योंकि उन्हें आप पर भरोसा नहीं है। गलत जानकारी और भय की वजह से लोग वैक्सीन का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। इबोला के मामले में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में ऐसा हो भी चुका है। गलत जानकारी और आशंकाओं की वजह से लोगों ने इबोला की वैक्सीन लेने से मना कर दिया। किसी कम्युनिटी की आशंकाओं को एक दिन में दूर नहीं किया जा सकता, और भरोसा पैदा करने में काफी वक्त लगता है। और ये सिर्फ अफ्रीका की बात नहीं है, जरूरत है बेहतर प्लानिंग और उसे उतने ही बेहतर तरीके से अमल में लाने की। पार्ट 4, हड़बड़ी और उपेक्षा। अब मिलिए हमारे चौथे और आखिरी एक्सपर्ट से, जिनका नाम है डॉक्टर एरिक टोनर। डॉक्टर एरिक टोनर अमेरिका में जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी में सीनियर साइंटिस्ट हैं। जब हमने उनसे पूछा कि पूरी दुनिया में क्या आज भी लाखों लोग किसी महामारी की वजह से मारे जा सकते हैं, तो सुनिए उन्होंने क्या बोला। Yes, it could. I don't know if this one will, but yes, it could. There's no biological reason that you could. हाँ, बिल्कुल मारे जा सकते हैं। मुझे नहीं पता कि इस बार ऐसा होगा, लेकिन हाँ, महामारी की वजह से पूरी दुनिया में आज भी लाखों लोगों की जान जा सकती है। वायरस ना हो, उसका तेजी से संक्रमण ना हो, और वो इतना जानलेवा भी ना हो, इसकी कोई बायोलॉजिकल वजह नहीं है। डॉक्टर एरिक टोनर मानते हैं कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए दुनिया भर की सरकारें जो तौर तरीके अपना रही हैं, वो शायद बहुत ज्यादा कारगर साबित ना हो। Mass quarantines, and by that I mean geographic quarantines, what we call technically a cordon sanitaire. बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को अलग थलग करना या भौगोलिक आधार पर इलाकों को सील करना, जैसा कि चीन में किया गया था, मेरे विचार में ये कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। वुहान में क्वारंटीन करने से पहले ही 50 लाख लोग शहर से भाग गए थे। जहां लोगों को बड़े पैमाने पर क्वारंटीन किया गया, वहां रिस्क ज्यादा बढ़ गया और मामूली हेल्थ सुविधाएं भी चुनौती बन गई। यहां ये बात समझना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर एरिक टोनर इस बात की आलोचना करते हैं कि लोगों को एक ही जगह बड़े पैमाने पर क्वारंटीन किया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना वायरस के संभावित लक्षण वाले मरीजों को अलग थलग नहीं करना चाहिए। Exactly so. Absolutely, people who are sick with this disease need to be isolated until they are over their illness. बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ, कोरोना के लक्षण वाले मरीजों को स्वस्थ लोगों से अलग करना ही होगा, तब तक जब तक कि वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते। और जो लोग मरीजों के संपर्क में आए हैं, उन्हें 14 दिन के लिए बाकी लोगों से खुद अलग हो जाना चाहिए, ताकि संक्रमण की संभावित चेन टूट सके। लेकिन क्या पूरी दुनिया को कोरोना से बचाने के लिए इतना काफी है? There is a phenomenon that typically happens that often we refer to as the panic neglect cycle. अक्सर ये देखने में आता है कि संकट आने पर हम कुछ तात्कालिक फैसले लेते हैं। कई बार इस तरह के फैसलों में दूरदर्शिता की कमी होती है। हम पैसा तो खर्च करते हैं, लेकिन ये नहीं सोच पाते कि उसका और बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल हो सकता है। हमें किसी बीमा पॉलिसी की तरह गंभीरता से सोचने की जरूरत है। हम बीमा पॉलिसी में निवेश करते हैं, जबकि हमें पक्के तौर पर पता नहीं होता कि उसकी जरूरत किस समय पर होगी। ये वैसा ही है जैसे फायर फाइटर्स ज्यादातर समय कुछ नहीं करते, लेकिन आग बुझाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कोरोना वायरस पर इस चर्चा के दौरान हमारे सभी विशेषज्ञ कुछ मोटी बातों पर सहमत हुए हैं, जो हर महामारी पर लागू होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 100 साल पहले के मुकाबले आज हम किसी भी महामारी से निपटने के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं। एहतियात बरतते हुए हमारी इस सकारात्मक सोच के पीछे कई कारण हैं। पिछले 100 साल पहले के मुकाबले जानलेवा वायरसों के बारे में हम आज कहीं अधिक जानते हैं। आज हमारे पास पहले से कहीं अधिक उन्नत वैज्ञानिक तकनीकें हैं, लेकिन हवाई परिवहन के इस दौर में दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है।
और हम वायरस के निशाने पर पहले से अधिक नजदीक आ चुके हैं। ऐसे में हर छोटी बड़ी एहतियात, वैज्ञानिक संवाद, परस्पर भरोसा, सतत प्रयास और दूरदर्शी योजना ही मानव जाति को वायरस से लड़ने की शक्ति दे सकती है।